एक फैमिली चाइल्ड प्रोड्यूस इसलिए करती है ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। वो बहुत खुश होती है जब उनका कोई एक बच्चा पैदा होता है, उनकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत होती है। लेकिन जो कैपिटलिज्म है या फिर कैपिटलिस्ट हैं, ये बहुत खुश होते हैं जब पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज होता है। वो बढ़ावा देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस हो सकें। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने इंडस्ट्री के लिए एक नया वर्कर मिल जाता है। तो जो पहली वाली चीज़ थी, ये बहुत सोच समझ के की गई, उसे मैनिफेस्ट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अपने आप हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है कि हमारा बच्चा आगे चल के किसी के लिए एक वर्कर बन जाएगा। इसे लेटेंट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। दिस लाइन्स आर बाय कार्ल मार्क्स, और हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। आर के मर्टन ने इस चीज़ को बहुत सही से समझाया है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड टॉक अबाउट लेटेस्ट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। Welcome back to my channel Pages by Sakshi Patel. My name is Sakshi and today we'll be discussing about R.K. Merton's Manifest and Latent Function. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, इट्स वेरी मच नेसेसरी फॉर मी। ओके, तो अगर हम बात करें फंक्शनलिज्म के बारे में, तो अगर जिनको नहीं पता है कि फंक्शनलिज्म होता क्या है, तो फंक्शनलिज्म का मेन मुद्दा ये है कि हमारे सोसाइटी में हर एक चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन होता है, और अगर उस चीज़ का वो फंक्शन सर्व नहीं करती है तो फिर क्या होता है, सोसाइटी उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल रिलीजन, रिलीजन का जो फंक्शन है दैट इज़ टू जस्ट मेक डिसिप्लिन, ठीक है, लोगों में डिसिप्लिन रहे। दूसरा है कि लोग यूनाइटेड रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। जब हम प्रेयर करते हैं या फिर हम नमाज पढ़ते हैं या फिर हम पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत करते हैं, तो उसमें हम एक साथ मिलकर लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। वर्शिप से ज़्यादा हम एक दूसरे की वर्शिप करते हैं, जो कलेक्टिविटी होती है उसकी वर्शिप करते हैं। ये है प्राइम फंक्शन रिलीजन का, ठीक है, और हमेशा से यही होता आ रहा है। लेकिन कुछ समय इसी रिलीजन के वजह से क्या होता है, दंगे फसाद भी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल रायट्स भी होते हैं, लेकिन वो कम अमाउंट में होते हैं। जितना ज़्यादा जो मेन होता है दैट इज़ रिलीजन, हर जगह लोगों को अच्छे से बना कर रखती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ ही होते रहती रिलीजन से, तो रिलीजन कब का गायब हो चुका रहता। सो दिस इज़ वॉट फंक्शनलिज्म इज़ ऑल अबाउट। अब डर्खाइम जो हैं, इन्होंने सबसे पहले फंक्शनलिज्म को स्टार्ट किया, उसके बाद टैलकॉट पार्सन्स ने इनके बारे में बात की फंक्शनलिज्म के, और जो मर्टन है इस चीज़ को उन्होंने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचा दिया कि इसके बाद फंक्शनलिज्म से रिलेटेड और कोई बात ही नहीं बची। डर्खाइम का कहना था कि किसी भी चीज़ का जो ओरिजिन होता है वो अलग चीज़ से होता है और उसका जो फंक्शन होता है ये अलग चीज़ से होता है। जैसे रिलीजन का काम जो है दैट इज़ लोगों को एक साथ इकट्ठा करके रखना, लेकिन क्या उसका ओरिजिन इस चीज़ के लिए हुआ था कि रिलीजन में सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर रहेंगे, तो ऑब्वियसली नहीं। कुछ अलग चीज़ के कारण ओरिजिन होता है और अलग चीज़ का फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीन चीज़ें के बारे में बात करेंगे जिनको फंक्शनल पोस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले है फंक्शनल यूनिटी। यूनिटी का मतलब ये यहाँ पर बोला गया है कि अगर देखो रिलीजन, रिलीजन में ढेर सारे लोग रहते हैं, जैसे कि पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, देन पूजा पाठ का सामान होता है, लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर जाकर हम पूजा करते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारे है ना। और अगर ये सबको एक साथ हमें रिलीजन को बनाकर रखना है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं है ना, इनको एक साथ यूनिटी में रहना होना है, और अगर ये यूनिटी में नहीं रहेंगे तो सोसाइटी इसे हटा देगी, ठीक। लेकिन मर्टन कहते हैं कि कई बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें, ये नॉन फंक्शनल और डिसफंक्शनल भी होते हैं। जैसे कि रिलीजन का ये एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वो रिलीजन का एग्जांपल दे रहे थे इसलिए हम भी रिलीजन का एग्जांपल ले रहे हैं। रिलीजन जो है कई बार डिवाइसिव भी हो जाती है, कि किस तरीके से लोग राइट्स कर देते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, तुम्हारा जो रिलीजन है वो हमारे रिलीजन से उतना अच्छा नहीं है, इस टाइप की चीज़ें। तो मर्टन ने फंक्शनल यूनिटी के बारे में ये कहा।
दूसरा है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि कुछ चीज़ तो हमारी सोसाइटी में होना ही होना है, अदरवाइज सोसाइटी चलेगी ही नहीं। जैसे कि शादी होना ही होना है, नहीं तो सोसाइटी नहीं चलेगी। रिलीजन होना ही होना है, होना ही होना है को इंग्लिश में कहते हैं इंडिस्पेंसिबिलिटी, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, रैटक्लिफ ब्राउन इस चीज़ को नेसेसरी कंडीशंस कहते हैं, है ना, इस चीज़ को होना ही होना है वाला। पार्सन्स इस चीज़ को फंक्शनल रिक्विजिट के नाम से जानते हैं, AGIL मॉडल में उन्होंने इसे कहा था। देन इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब ये है कि कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये तो बहुत ज़रूरी ही हैं, अदरवाइज हमारी सोसाइटी नहीं चलेगी। जैसे कि हमारा बोल सकते हो मैरिज सिस्टम, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें। मेलिनोस्की इस चीज़ को थ्योरी ऑफ नीड्स के नाम से जानते हैं, डर्कहाइम इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, अगर समाज में नहीं होगा तो सोसाइटी नहीं चलेगी। रिलीजन कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, अदरवाइज सोसाइटी नहीं चलेगी। मर्टन कहते हैं नहीं, बिल्कुल चलेगी, फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कि फैमिली का मेन काम है बच्चों का पालन पोषण करना, है ना, लेकिन आजकल समाज में क्रैच आ गए हैं। क्रैच मतलब कि झूला घर, जिस टाइप की चीज़ें कहते हैं, जहाँ पर जब माँ बाप काम करने के लिए जाते हैं तो बच्चों को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर रह सकें, है ना। और इस बीच में क्या होता है कि जो फैमिली के मेम्बर्स रहते हैं बाहर जाकर काम करते हैं। फैमिली वो थी जो कि हमें हर चीज़ सिखाती थी, लेकिन अब उसके ऑल्टरनेटिव में स्कूल्स आ गए हैं। फैमिली ही वो थी जो कि हमें सिखाती थी कि तुम रात को जल्दी आ जाओ, तेज़ी से गाड़ी मत चलाओ, इस टाइप की चीज़ें, लेकिन उसके बदले में लॉ आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं रहा। अब यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म का मतलब यह है कि हर जगह ये सारी चीज़ें रहती है। जैसे कि रिलीजन यहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, देन डेनमार्क, देन अमेरिका, हर जगह है, और उसका एक ही मतलब है कि लोग एक साथ मिलकर रहें, है ना। और इस चीज़ को कॉम्टे कहते हैं कि लोगों का विचार मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विचार रहेगा सेम तो ऑटोमेटिकली चीज़ें फंक्शनल रहेंगी ही रहेंगी। मेलिनोस्की वाइटल फंक्शंस पे बिलीव करते हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइटल फंक्शंस मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मर्टन कहते हैं कि कुछ चीज़ें डिसफंक्शनल भी हो सकती है, नॉन फंक्शनल भी हो सकती है, और हमें नेट बैलेंस देखना है। नेट बैलेंस मतलब कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो आपको बनाते हुए चलना है कि कौन सी चीज़ें फंक्शनल है, कब वो नॉन फंक्शनल है, इस टाइप की चीज़ें मर्टन ऐसा कहते हैं। अब हम बातें करने वाले हैं लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में। लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन ये होता है कि सपोज़ जैसे कि अगर किसी की शादी हो रही है, कोई शादी क्यों करता है, शादी इसलिए करता है ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सके, एक फैमिली बना सके, एक हैप्पी लाइफ जी सके, दो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हमने बहुत सोच समझ के ये डिस्कशन किया है और ये डिसीजन लिया है कि हमने शादी करनी है ना। और या फिर आप बोल सकते हो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर, तो आप उस चीज़ के लिए तैयारी करना चालू करते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, बॉडी मेंटेन करते हो, इस टाइप की चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपने बहुत सोच समझ के कुछ अगर डिसीजन लिया है, दैट इज़ मैनिफेस्ट फंक्शन। जो एक्टर है बिल्कुल अवेयर है ना, आपको पता है, और इसमें आप नॉन पॉजिटिविस्ट टेक्निक्स को यूज़ करते हो क्योंकि ये ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल है। तो यहाँ पर आप जो साइंटिफिक चीज़ें नहीं है, पॉजिटिविस्ट मतलब साइंटिफिक, उनको आप यूज़ नहीं करते हो। पार्सन्स इस चीज़ को मोटिवेशनल ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। ये वेबर जो है, मैक्स वेबर, उनसे इंस्पायर्ड है, और ये इंटेंडेड होता है, या पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, इंटेंडेड होगा, है ना, ये होता है इंटेंडेड, मतलब कि जब आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल अवेयर हो। लेकिन जब आपने एक्टर बनने की तैयारी की तो माहौल में क्या होने लग गया कि सोसाइटी में ढेर सारे एकेडमिक्स खुल गए जो कि एक्टर्स लोग को सिखाते थे उनके लिए। तो जो नए एक्टर्स जो कि एस्पायर कर रहे हैं या फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, मतलब कि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एग्जैक्टली उनके लिए तो वो कमाई का ज़रिया है ना, जो एक्टर्स हैं। या फिर वेडिंग प्लानर्स आ गए, शादी तो हमने सिर्फ अपने लिए की थी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा था कि मार्केट में एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जो कि बहुत प्रॉफिटेबल होगा, जैसे कि वेडिंग प्लानर्स। तो ये खुद ब खुद हो गया। इस चीज़ को लेटेंट फंक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि खुद ब खुद हो जाता है, जो इसे अनइंटेंडेड कहते हैं क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं। सोशल है, प्लस डर्कहाइम और रैटक्लिफ ब्राउन से ये लिया गया है। एग्जाम्पल देते हैं वो होपी ट्राइब डांसिंग के बारे में। होपी ट्राइब डांसिंग क्या है कि एक होपी ट्राइब होती थी, तो उन लोग क्या करते थे कि जब बारिश हो उसके लिए डांस किया करते थे, बहुत मज़े से डांस करते थे। और धीरे से क्या होने लग गया,
जब वो डांस करने लग जाते थे तो। गाइस थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वो कौन से टॉपिक्स है जो कि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।